बिहार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोई मंत्री के भरोसे नहीं है ये दलित महादलित समाज। यहाँ पे भीम आर्मी के लोग अपने रक्षा सुरक्षा करने के लिए, अपने लोगों के हक अधिकार के लिए, उनके न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोग इनके न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ेंगे। नंदू पासवान का नाम आ रहा है सामने कि नंदू कोई कोई पासवान, कोई जाधव, कोई बेलदार हो, अगर वो दोषी है तो पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके उसको सजा सुनिश्चित। हाजत में हम मिले कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भैया हम घर में सोए हुए थे, पुलिस के लोग गांव को घेर लिए और घुस करके हम लोग को जबरन उठा करके मारते पीटते हुए थाना लेकर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए जिस तरीके से कृष्णा नगर में घटना घटी है, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नवादा डीएम हाय हाय, हाय हाय हाय। नवादा एसपी हाय हाय, हाय हाय हाय। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नवादा एसपी हाय हाय, हाय हाय हाय। नवादा डीएम हाय हाय, हाय हाय हाय। बिहार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, शर्म करो, शर्म करो। नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। बिहार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो। देखिए नवादा के कृष्णा नगर में जिस तरीके से घटना हुई है और बीते दिनों बीती रात को जिस तरीके से 80 दलितों के घर में आग लगाने का काम किया गया है, देखिए एक युवक थी जिसकी जो है डेथ हो चुकी है। और देखिए तमाम जो पुलिस बल तैनात है और प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तमाम भीम आर्मी के लोग जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए कि तमाम, देखिए यहाँ पर माहौल, यार सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नीतीश कुमार शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। देखिए जिस प्रकार की घटना यहाँ पे घटी है कल रात में, यहाँ पे तकरीबन 80 महादलित परिवारों के घर में आग लगा दिया गया माफियाओं के द्वारा, और गिरफ्तारी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों को गिरफ्तार करके उनको माफिया बताया जा रहा है, उनको आग लगाने वाला बताया जा रहा है। सीधे तौर पे दिखा रहा है कि यहाँ की प्रशासन इस मामले पे लिपापोती करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में गिरफ्तारी, जो घर में सोए हुए लोग हैं उनको पकड़ करके खाना पूर्ति कर रही है। जो असली गुनाहगार है, जो आग लगाने वाले लोग हैं, जो लोग इस साजिश में शामिल है, वो चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनको यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। और सिर्फ इस मामले को दलित वर्सेस महादलित बना करके यहाँ पे दलितों को ही फंसा करके, दलितों को ही हत्या करवा करके, दलितों का ही घर जला करके यहाँ पे बिहार सरकार और उनके प्रशासन के लोगों के द्वारा यहाँ पे लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे जब तक यहाँ पे जो परिवार है महादलित परिवार, उनको जब तक यहाँ पे मुआवजा नहीं मिल जाता है, उनके रहने के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, जो भूमिहीन है, जो भवनहीन है, उनको भूमि आवंटित नहीं कर दी जाती है, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम लोग यहाँ पे सब लोग इस महादलित परिवार को, जो 80 घरों पे यहाँ पे दमन किया गया है, उनके परिवार के साथ उनके न्याय मिलने तक हम लोग खड़े रहेंगे। और भीम आर्मी सुबह से ही इस मामले पे इस परिवार के साथ खड़ी है। अभी भी यहाँ पे प्रशासन के द्वारा खाना का व्यवस्था कराया गया है, आधा लोग खाना खाए हैं, आधा लोग को खाना मिला भी नहीं है। और सारे बच्चे यहाँ पे 5 दिन की बच्चियां भी दूध पीने के लिए और भूख से बिलबिला रही हैं, और यहाँ पे शासन प्रशासन के लोग सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, कोई इनके लिए स्थायी व्यवस्था नहीं किया गया रहने के लिए। और उसी में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पे 35 वर्षीय युवक अनिल माझी की हत्या हो गई कि उनका
आग लगा के हत्या किया गया, क्या किया गया ये भी सामने नहीं आया, सिर्फ पोस्टमार्टम करवा के खाना पूर्ति किया जा रहा है। नाम क्या है? इनका नाम अनिल मांझी है। अनिल मांझी पिता गोला बच्चे है, ये 35 वर्ष के हैं, इनका बच्चा 4 बच्चा है और पत्नी है और इनका पूरा परिवार है। हमारा मांग है कि अनिल मांझी के पूरे परिवार का परवरिश करने के लिए इनको तत्काल, इनके आश्रित, इनकी पत्नी को 20 लाख रुपए सरकारी मुआवजा और इनको रोजगार की व्यवस्था कराया जाए। और ये भूमिहीन है, इनके पास घर नहीं है। घर है? घर नहीं है, जमीन नहीं है। इनको जमीन 3 डिसमिल जमीन दिया जाए और इनका सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस देश में 2020 तक, बोलते थे कि 24 तक, 25 तक यहाँ पे कोई भवनहीन नहीं रहेगा, सबका सरकारी आवास होगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि 80 झोपड़ियों में जो आग लग गया, क्या वो पक्के के मकान थे? इनको क्यों नहीं भवन आवंटित हुआ? मांझी सरकार में तो है, बोलेंगी बोलेंगी बोले कुछ। और संतोष कुमार सुमन मांझी समाज, ये सवाल है ना कि ये अपनी जाति की नाम पे इनका वोट लेकर के, वोट को ठग करके सरकार में आते हैं, मंत्री पद ले लेते हैं, केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, लेकिन अपने समाज पे हो रहे दुख अत्याचार पे उनका मुंह नहीं खुलता है और सिर्फ राजनीति करने का बयान देते हैं, राजनीति वाला बयान, और इनको समाज के कोई वास्तविक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ पे महादलित परिवार के साथ जीतन राम मांझी जी उनके बेटे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग भीम आर्मी के लोग सुबह से खड़े और वो जातीय लड़ाई भी लगवाना चाह रहे हैं। एकदम कोई नहीं आया पे, भीम आर्मी कोई मंत्री के भरोसे नहीं आई है। दलित महादलित समाज यहाँ पे भीम आर्मी के लोग अपने रक्षा सुरक्षा करने के लिए, अपने लोगों के हक अधिकार के लिए, उनके न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोग इनके न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ेंगे। नंदू पासवान का नाम आ रहा है सामने कि नंदू, कोई पासवान, कोई जादव, कोई बेलदार हो, अगर वो दोषी है तो पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके उसको सजा सुनिश्चित करवाए, लेकिन बेकसूरों को, निर्दोषों को जो फंसाने का यहाँ की नवादा प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है उस पे रोक लगाना चाहिए। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गिरफ्तार करके हाजत में बंद किया गया है, वैसे निर्दोष लोगों को छोड़ा जाना चाहिए और जो असली जिम्मेदार है उसका जांच पड़ताल करवा के SIT के माध्यम से हम मांग करेंगे कि इस गांव के मामले पे जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसी CBI के द्वारा यहां जांच करवाया जाए और इनको न्याय सुनिश्चित करवाया जाए, निर्दोष को नहीं फंसाया जाए और दोषी को बख्शा नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे हाजत में हम मिले कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भैया हम घर में सोए हुए थे, पुलिस के लोग गांव को घेर लिए और घुस करके हम लोग को जबरन उठा करके मारते पीटते हुए थाना लेकर के आए हैं। जांच नहीं हुई जब तक कैसे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि CBI का जांच का मैं मांग कर रहा हूँ कि केंद्रीय एजेंसी, केंद्र की सरकार जिसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दलित नेता बिहार के मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को चाहिए कि नरेंद्र मोदी से मांग करके इस घटना पे CBI जांच करवाए और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो उसको राब साफ करवाए और जो दोषी है उनको सजा दिलवाए और जो निर्दोष है उनको रिहा करवाए। 100 को जब तक इनके परिवार, इनके आश्रित को मुआवजा नहीं मिल जाता है, ये भूमिहीन है। इनको सरकारी मुआवजा 20 लाख का यहाँ के DM साहब घोषणा नहीं करते हैं और जब तक इनको भूमिहीन है तो इनको आवास की व्यवस्था नहीं करते हैं और इनकी जो मांगे हैं परिवार की, इनसे भी आप लोग बात सुन लीजिए, उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक हम लोग शव को नहीं दफनाने देंगे। लोजपा के कार्यकर्ता हैं तो सीधे तौर पे नंदू पासवान अगर आरोपी हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच पड़ताल हो जाए। आरोप लगा देने से सिर्फ कोई आरोपी नहीं हो जाता है, अगर उनपे आरोप है तो पुलिस अपना SIT अपना जो भी है केंद्रीय एजेंसी बिहार सरकार मांग करे। नीतीश कुमार जी से हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी CBI जांच की मांग करे और यहाँ की घटना पे CBI से जांच करवाए। नंदू पासवान दोषी हो, नंदू यादव हो या नंदू बिलदार हो, सबको सजा होना चाहिए, कोई निर्दोष इसमें नहीं फंसना चाहिए। दो महीना से सरकारी दफ्तर का ये चक्कर काट रहे थे। ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के शासन प्रशासन पे सवालिया निशान है। यहाँ पे कृष्णा नगर के जो लोग हैं वो लोग अपना जान पे खतरा और यहाँ पे हमला होने की आशंका पहले आवेदन के माध्यम से यहाँ के थाना को और यहाँ के प्रशासन को दे चुके थे, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके वजह से यहाँ पे कल घटना को अंजाम दिया गया और अपराधी फरार है और जो सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इस घटना पे लिपापोती कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें नेता और प्रशासन और सभी दोषी हैं?
देखिए नेता नेता खबर दिखाया था दो महीने पहले प्रमुखता से खबर दिखाया था जी, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि नवादा जिला में भू माफियाओं और सरकार ये प्रशासन के लोगों से जो गठबंधन चल रहा है पैसे का लेन देन करके गरीबों को जमीन हड़पने का, उस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है। जंगल राज, महाजंगल राज है, राक्षस राज है। यहाँ पे अपराधी दिन दहाड़े लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं, रात अभी शाम अंधेरे में अंधेरे का मौका उठा के भू माफिया घर जला दे रहे हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नवादा के डीएम और एसपी साहब हैं। 3 किलोमीटर विधायक जी का आवास है, एमएलसी का आवास है। तो देखिए मुझे लगता है कि विधायक जी और एमएलसी साहब भी कहीं ना कहीं जो पीछे से छुपे हुए अपराधी हैं उनको साथ दे रहे हैं, इसके वजह से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है और अभी तक वो लोग संज्ञान लेकर के इस परिवार के साथ खड़ा होने का काम नहीं किए। नंदू पासवान लोजपा का कार्यकर्ता है। नंदू पासवान।